सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आउटडोर फिश टब को कैसे सेटअप किया जाए वाटर लिलीज के साथ। आउटडोर टब सेटअप करने के लिए हमें एक कंटेनर लगेगा। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक कुंडी जो रहती है प्लांट्स लगाने के लिए उसको लिया है। उसमें जो बॉटम होल्स होते हैं वो ग्लू के हेल्प से आप उसको स्टिक कर लीजिए, यानी वहाँ से पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी हम इस कंटेनर में वाटर को फिल करेंगे। याद रखिए, ये जो टैप वाटर होता है इसमें क्लोरीन होता है। क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हम इसमें हाइपो ऐड करेंगे, जो कि कम्प्लीटली क्लोरीन को रिमूव कर देगा वाटर में से। अगर वाटर में क्लोरीन होता है तो ये हमारे फिश के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। वन डे के लिए कंटेनर को वाटर के साथ फिल होकर बाहर रख दीजिए। सो हमारा क्लोरीन जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। विदाउट हाइपो ऐड किए भी आप इसमें का क्लोरीन निकाल सकते हो। आपको 3 से 4 दिन ये पानी बाहर रखना होगा। तो इस प्लास्टिक के कंटेनर में हम ग्रो करने वाले एक्वेटिक प्लांट्स। सेकंड डे, अभी हम एक्वेटिक प्लांट्स को ऐड करेंगे वाटर के अंदर। कंटेनर को आपको कभी भी फुल फिल नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो फिशेस है वो जंप कर सकती है। ये वाटर लिली के प्लांट्स हैं, इनके लिए मिट्टी जरूरी है। बॉटम में मिट्टी डालिए उनके रूट्स के वहाँ पे, और ऊपर से कवर कर दीजिए सैंड से। चलिए, तो अभी वाटर लिली को ऐड करेंगे हमारे कंटेनर में। ये वाटर लिली के प्लांट्स जब भी आप ऐड करोगे आपके वाटर टब में, तो आपको केयरफुली ऐड करना है, क्योंकि इसके बॉटम में होती है मिट्टी। वो अगर डिजॉल्व हो गई वाटर में तो आपका जो पानी है पूरा ख़राब हो जाएगा और आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने टोटल 4 नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स ऐड किए, जिसमें कि 3 टब जो है वो वाटर लिली के हैं और 1 जो है वो हाइग्रोफिला प्लांट की वैरायटी है। थर्ड डे, अभी हम इसमें फिश और स्नेल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास में कुछ गप्पी फिश का मेल एंड फीमेल का कॉम्बिनेशन है, तो वह हम इसमें ऐड करने वाले हैं और देखेंगे उनका ब्रीडिंग रेट क्या होता है। 10वां दिन, आप देख सकते हो कि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। उसी के साथ में हमारे जो फिश है वो एक्टिव है, यानी ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो फिश है वो हेल्दी है। चलिए, तो इंडिविजुअल प्लांट की मैं आपको ग्रोथ दिखाता हूँ। ये वाले जो है वाटर लिली के प्लांट्स हैं, अभी भी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। ये जो प्लांट्स है ये हाइग्रोफिला प्लांट की वैराइटीज़ है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। आप देख सक रहे हो कि पहले कितना ग्रोथ था और अभी कितना ग्रोथ है इनका। उसी के साथ में यहाँ पर कोबम्बा प्लांट जो है वो मैंने ऐड किया था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है, फास्ट ग्रो होता है प्लांट। उसके वजह से वाटर लिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते ऊपर में आते हैं, तो वो हमारे जो फिश है उनको हाइडिंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे और अंदर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेंगे हाइग्रोफिला प्लांट एंड कोबम्बा प्लांट। तो इस तरह का हमने कॉम्बिनेशन इसमें बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो गप्पी फिश है फीमेल वाली, उसका पेट थोड़ा फूला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो गप्पी फीमेल है उसने बर्थ दिया है 10 से 12 बेबीज को। ये बेबीज बहुत ज़्यादा छोटे होने की वजह से मैंने आपको सेपरेट करके इनको दिखाया व्हाइट बैकग्राउंड में। इन बिटवीन मैंने देखा कि हमारा जो वाटर लिली का लीफ है उसके ऊपर में स्पाइडर बैठा है। मुझे लगा कि ये जो स्पाइडर है वो हमारे फिश को हार्म कर सकता है, उसके वजह से मैंने इस पर नज़र रखी हुई थी। बट बाद में पता चला कि ये जो स्पाइडर है वो वहाँ पर स्टक हो गया था। चलिए, तो अभी हम इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। ध्यान में रखिए कि वाटर डीक्लोरिनेटेड होना चाहिए। आप भी इनिशियल 10 डेज जो है वाटर लेवल कम रखिए, क्योंकि जब भी हम एक्वेरियम शॉप से फिश लेके आते हैं तभी वो फिश बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उसके वजह से उनको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, उसके वजह से उनका जंप करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। उसको अवॉइड करने के लिए हमें वाटर लेवल जो है वो कम मेंटेन करना होगा। अभी इस टब को 20 डेज हो चुके हैं, हमारा फिश स्ट्रेस से निकल चुका होगा, उसके वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया है। अभी भी लेवल थोड़ा कम ही है। प्लांट ग्रोथ आफ्टर 25th डे, देख सकते हो आप प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। वाटर लिली के जो लीव्स हैं वो दिन ब दिन ग्रो होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, टब को पूरा कवर कर रहे हैं, दिखने में बहुत ही प्यारा दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, हमारा जो बॉटम पोर्शन होता है टब का, वहाँ पे होते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो कि हमारे फिश के वेस्ट को डाइजेस्ट करके वाटर के क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को भी ग्रो होने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज वो डेड हो जाते हैं। अगर हमारे वाटर लिली के जो लीफ है वो अगर पूरे टब को कवर कर लेंगे तो लाइट नीचे नहीं पहुँचेगा, हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज डेड हो जाएंगे, वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगी और हमारे फिश भी डेड हो जाएगी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको वाटर लिली के जो लीव्स होते हैं उनको कम्प्लीटली टब को कवर मत करने दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्नेल्स की भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी से हो रही है।
स्नेल जो है वो टब में का वेस्ट पोर्शन खा के आपके टब को क्लीन रखने में आपकी मदद करेंगे। डकवीड, ये जो प्लांट है ये एक फ्लोटिंग प्लांट है जो कि आपके वाटर में के एक्सेस मिनरल्स है जो कि डेवलप होते हैं फिश के वेस्ट की वजह से, उनको कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। डकवीड जो है एक वाटर क्वालिटी इंडिकेटर है, वो कैसे तो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि डकवीड की अगर आपके टैंक में आपके टब में फास्ट ग्रोथ हो रही है, यानी ये समझ लीजिए कि वाटर में मिनरल्स की मात्रा जो है वो बढ़ गई है, उसके वजह से आपको अभी वाटर चेंजेस करने की ज़रूरत है। 35th डे, तो देख सकते हो आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है, उसी के साथ में हमारी फिश भी हेल्दी दिख रही है। हमारा जो फ्लोटिंग प्लांट है डकवीड, उसकी भी ग्रोथ स्लो है, यानी इस पे से हमें पता चलता है कि हमारी जो वाटर क्वालिटी अभी भी मेंटेन है, यानी वाटर चेंजेस करने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें हमारे टब में नॉर्मल लग रही है, टब में हमें सभी चीज़ें नॉर्मल दिख रही है, यानी ये इंडिकेट करता है कि हमारा टब जो है वो अच्छे से सेटअप हो चुका है, अभी हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो फिश है उसकी मूवमेंट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही एक्टिव है, उसकी वजह से हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा जो फिश है वो हेल्दी है। क्योंकि हमने जब भी आरिफ भाई को भी क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू बाय हेल्दी फिश फ्रॉम एक्वेरियम, तो उन्होंने भी बताया था कि थोड़ा सा फिश को देखिए वो एक्टिव है कि नहीं वो चेक कीजिए, क्योंकि एक्टिवनेस जो है वो डायरेक्टली आपको इंडिकेट करता है कि फिश जो है वो हेल्दी है करके। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि फिश जो है वो फूड खा रही है कि नहीं, क्योंकि फूड अगर फिश खा रही है यानी ये इंडिकेट करता है कि फिश जो है वो अच्छी है, हेल्दी है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फिश जो है वो एक्टिव दिखता है बट फूड वगैरह नहीं खाता है, अगर फूड नहीं खा रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है, उसको कुछ ना कुछ डिसीज हो चुका है, उसके वजह से वो फूड नहीं खा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी हर एक फिश फूड खा रही है, यानी हमारी जो फिश है वो हेल्दी है। 40वां दिन, आप देख सकते हो हमारे प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं। हमारे जो वाटर लिली के लीव्स है उन्होंने पूरा कवर कर लिया टब को, उनको थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा हमें। 50वां दिन, आप देख सकते हो हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो वाटर लिली ने पूरा कवर किया था उसको मैंने थोड़ा सा साइड में किया है, क्योंकि लाइट जो है वो थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए और हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो फिश है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, सभी बहुत ही एक्टिव है, यानी ये इंडिकेटर था कि हमारी फिश भी हेल्दी है, यानी ओवरऑल हमारा सभी जो है टब वो अच्छे से सेटअप हो चुका है, हमारे फिश हेल्दी है, प्लांट्स हेल्दी है, उसी के साथ में टब के अंदर का जो एनवायरमेंट है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो भी हेल्दी है। सो फ्रेंड्स, मैंने जिस तरीके से आपको बताया उसी तरीके से सेटअप कीजिए आपके टब को, आउटडोर टब को, तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा सा मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। देख सकते हैं आपकी प्लांट्स और हमारे फिश, उसी के साथ में हमारे स्नेल्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। आप इसमें श्रिम्प भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे श्रिम्प जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाटर लिली के प्लांट होने की वजह से नीचे में जो है वो बहुत ज़्यादा अलगी डेवलप नहीं होता है, और श्रिम्प जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अलगी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप वाटर लिली के प्लांट्स के अलावा हाइग्रोफिला, कोगुम्बा, इस तरह के प्लांट्स अगर यूज़ करते हो तो आप श्रिम्प्स को रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए। मेरा ये वाला पोर्शन है गैलरी का जहाँ पे मैंने मेरा आउटडोर टब को रखा हुआ है। ये प्लेस पे रखने का रीज़न ये है कि ये वाले पोर्शन में मेरे गैलरी के अच्छा खासा लाइट आता है, क्योंकि वाटर लिली प्लांट्स को अच्छा खासा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे कि आउटडोर फिश टब का वाटर कैसे चेंज करें, उसी के साथ में उसको सालों साल कैसे ऐसे ही मेंटेन करें। ऊपर में जो सर्कल दिया उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोज देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।